जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान, मैं हूं इस समय जालौर जिले में, राजस्थान में। ये अनार की बेल्ट है, लगभग 80% लोग यहां पे अनार की खेती करते हैं। लेकिन अनार में जानकारी ना होने की वजह, नहीं कोई नहीं मैं ले लूँगा, जानकारी ना होने की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान कि जहाँ पे 25,000 और 21,000 रुपये का खर्च है, वहाँ पे किसान 2.5 से 3 लाख रुपये लगा रहा है। ये बड़ी दुखद बात है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। जब मैं खेती में आया था, पहला मेरा पदार्पण खेती में 2012 में एक घटना से हुआ था, जिसका जिक्र मैंने बहुत वीडियो में किया है कि एक महिला ने आत्महत्या की हुई थी, जिसकी आत्महत्या से मतलब झकझोर हो गया था मैं, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ जहाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कारण का नहीं पता होता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कैमरे के सामने। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये कोई मार्केटिंग कर रहा होगा किसी चीज़ की। मैं किसान को बेचने नहीं बचाने निकला हूँ, दोनों में फ़र्क होता है, बेचने वाले में और बचाने वाले में। तो यहाँ जिस तरीके से हम आए, तो यहाँ वही सेम स्थिति है आत्महत्याएं वाली। इन लोगों की स्थिति नहीं ख़राब है। अभी एक किसान मिले थे सुबह, वाली साहब आपके भाई मेरे साथ थे, हम 5 बजे विजिट पर निकल गए थे सुबह। तो वो किसान ने बेचारे ने 5 साल हो गए उसको यार, वो अनार में 1 रुपया नहीं कमाया आज तक, नहीं कमाया, घाटे में रखा। वो बोल रहे भैया अनार बहुत आया था लेकिन सड़ गया और निकल गया, पूरे साल दवाइयां डाली, कंपनी वाले आए बाद में, उनसे पूछो तो वो कंपनी वाले फोन ही नहीं उठाते, बात ही नहीं करते, भाग गए। एक बोतल छोड़ी दूसरी बोतल पकड़ा देते हैं, मतलब ये नहीं कहते कि ये रिजल्ट नहीं आया तो मेरी जिम्मेदारी है। तो किसान को ग्राहक ना समझ करके, अगर उसको अन्नदाता समझ के उसकी सेवा की जाए, तो किसान कभी भी आपको गरीब नहीं रहने देगा। ये मेरा अपना आज तक का अनुभव है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं गरीब थोड़ी ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं बढ़िया रोटी खा रहा हूँ, ठीक ठाक मस्त मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल रही, टॉप इन किसानों की दुआ से चल रही है, बढ़िया ज़िंदगी काट रहा हूँ किसानों के बदौलत। लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मतलब मदद कर रहा हूँ, या लूटने आया हूँ। आपका इंटेंशन जैसा होगा आपको फल भी वैसा ही मिलेगा, ये भी याद रखना। कई लोग होते हैं कांचली में, दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं। तो आपका जो फल मिलता है ना, हमारे यहाँ भी लिखा है, इसमें रामायण में लिखा है, गीता में भी है, कुरान में भी है, आपको फल कर्म का तो मिलता ही मिलता है, इंटेंशन का ज़्यादा मिलता है कि आप मुझसे मित्रता जो कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अगर छल है तो निश्चित रूप से आपको कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। अगर छल नहीं है, सेवा है, तो भले ही मैं आपसे 2 रुपये यहाँ से कमा के ना जाऊँ, लेकिन वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से मेरे को ऑटोमेटिक कमवा देगा। और सबसे बड़ी बात, नींद बहुत शानदार तरीके से आती है। 2 घटनाएं मेरे साथ घटी, तो अभी रास्ते में आते हुए राजस्थान पुलिस ने रोका मुझे कि भाई झारखंड की गाड़ी राजस्थान में क्या कर रही है। उसके बाद जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये करता हूँ, तो उनका जो सम्मान था वो बड़ा ज़बरदस्त वाला था कि सर सैल्यूट है आपको, आप जो कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पानी की बोतल और चाय वाय पिलाई, बड़े सम्मान के साथ राजस्थान पुलिस ने व्यवहार करा मेरे साथ। 2 जगह पर रोका मुझे कि आपकी गाड़ी झारखंड की, आप राजस्थान में क्या कर रहे हैं। मैंने बताया, तो वो ड्राइवर लाइसेंस भी मेरा मांगा तो था, जब मैंने बताया मैं ये करता हूँ तो वापस दे दिया उसने कि सर हैट्स ऑफ है आपके लिए, आप जो ये कोई नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है, हम लेते नहीं है कुछ आप लोगों से, अभी किसी से कुछ मांगा है नहीं, ना मांगेंगे। एक इल्म है, एक जानकारी है जो देनी है, दे के चले जाना है, मन करे फॉलो करो, नहीं मन करे कोई बात नहीं। मैं बकरे को बकरा बताना आया हूँ, तुम बकरे को घोड़ा समझ के पाल रहे हो, समझ में आई। एक परिचय लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भैया आपका मैं परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अकबर खान, पिताजी का नाम जमाल खान, गांव सांगाना, तहसील झाइला, जालौर जिला है। अब एक और गड़बड़ है आपके साथ जहालत, ये मोबाइल कभी भी यहाँ मत रखा करो, नहीं तो बेमौत मरोगे। सही बात, ये कड़वा शब्द है, बिल्कुल लोग मरने से बहुत डरते हैं सिविल में, हमारे यहाँ फौज में मरने से नहीं डरते। यहाँ कहते तू मर जाएगा यार, कैसा आदमी मरने की बात कर रहे हैं भाई, वो तो सच है। इस दुनिया में कुछ सच हो ना हो, मौत सच है, मौत तो यकीनी है ना, लेकिन बेमौत मत मरो। ये यहाँ रखने से दिल की धड़कनों पे फर्क पड़ता है, जब मोबाइल पुराना होता है ना तो इससे रेडिएशन निकलता है। अबे मेरा मोबाइल कहाँ है, अच्छा इधर रखा है, रेडिएशन निकलता है इससे, जितना पुराना होगा उतना ज्यादा ये रेडिएशन निकलेगा, मतलब जैसे बैरिंग ट्रैक्टर में अड़के चलता है घसड़ घसड़। तो जितना ये आपके शरीर के करीब रहेगा उतना ये आपको नुकसान देगा। अगर आपकी जेब में रहेगा तो आपको पेशाब की दिक्कतें होंगी, आपके यहाँ पे रहेगा तो आपकी कमर में दर्द होगा। तो इनको रखना का कहीं मत रखो, दूर रखो, सोते समय तो 3-2 कमरे के बाद एक अलग कमरे में रखो इसको। उसके बाद अगर जेब में यहाँ रख रहे हो तो ये तो आपने इंजन पे रख दिया भाई, आप भी मैंने देखा कई दिन यहाँ रख के घूम रहे हो।
बली साहब के दिन पता चलेगा कि बली चढ़ गई आपकी। और कारण ये निकलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये रेडिएशन देता है। एक आध महीना जब तक ये भरता नहीं है तब तक तो ठीक है नया मोबाइल, और जब पुराना हो गया ना भाई ये खतरे की घंटी है आपके लिए। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ इधर आओ खड़े हो। जी बिल्कुल एक लाइव प्रैक्टिकल करते हैं। अब आपने ताकत लगा के इसको रोकना है हाथ को, मैं नीचे करूंगा, आपने करने नहीं देना है, ऐसे सीधा करो, ऐसे ताकत लगाओ पूरी, डॉक्टर हाथ नहीं जो कर ऐसे सीधे खड़े हो। हाँ ठीक है ठीक है, लगाओ ताकत लगाओ लगाओ आप लगाओ ताकत है बस। हाँ चलो अब ये मोबाइल पकड़ो इस हाथ में, ठीक है ठीक है ठीक है। अब पहला हाथ था, एक उंगली है, ताकत लगाओ पूरी लगाओ। अरे क्या हो गया वाकई में यार, इधर लाओ अब, इधर लाओ अब लगाओ ताकत, जाना ही को जाओ पकड़ो मोबाइल, जले हाथ जले। अभी एक लास्ट वाली उंगली से आया, की बात हुई क्या हुआ तो मोबाइल जलो हाथ जलो रहे, ये ताकत खत्म कर रहा है शरीर की। अब समझ में आई? जी जी बिल्कुल आई। ये इसे लाइव कर, कोई भी कर लो जो अपने आप को पहलवान समझता हो, आ जाओ इधर। मोबाइल पकड़ते हाथ नीचे, मोबाइल छोड़ते हाथ ऊपर, शरीर में ताकत बढ़ जाती है। अरे बाबू क्या करो, बाबा बुढ़ा आदमी सालो, मैं इससे बुढ़ा आदमी नहीं मिला को राजस्थान में। सुनो आप रहने दो, इनको आने दो, ये हल्का सा लौंडा है, तू नया लौंडा 18 साल का, तू बैठ जा हल्का सा, शक्ति वाला आदमी शक्ति वाला। चल बेटा पूरी ताकत लगानी, ठीक है चल, और शाबाश। मोबाइल कहाँ है? ओ मोबाइल, चल लगा ताकत, लगा ताकत। क्या हुआ, ताकत कम हुई क्या? बड़ी कम हुई, अब ला इधर से। चल फिर कर दोबारा, ताकत है वाकई में सही पकड़ा। अब ले एक उंगली से ले, लगा ताकत, क्या हो गया ताकत खत्म? अरे कितनी उठलो चाहे एक ही बात है, और अब इंसान खत्म है। ये जहालत दूर करने का तरीका है तुम्हारा, मोहम्मद साहब ने भी ऐसी करी होगी, मुझे तो ऐसा लगता है उस जमाने में, पकड़ पकड़ के समझाया होगा तब समझ में आई होगी। राम जी ने भी ऐसे किया था हर दौर में। देखो हमारी जहालत दूर करने के लिए ऊपर वाला कभी राम के रूप में आया, कभी हनुमान के रूप में आया, कभी शिव के रूप में आया, कभी मोहम्मद के रूप में आया, वो अलग अलग रूपों में आके हमें समझा के जाता है। पूरा हाथी किसी ने नहीं देखा, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथ, और उसी हिसाब से अपने अपने इल्म के हिसाब से बता दिया कि ईश्वर ऐसा होता है। ईश्वर तो निराकार है, वो किसी ने देखा नहीं, मगर वो कई रूपों में आता है हमारी जहालत, हमारी जिंदगी से गंदगी निकालने के लिए। हम उसको मानने के बजाय उसको लड़ते हैं, उसके रास्ते पर चलो, लड़ने की जरूरत नहीं है। चलो वो एक दूसरा विषय हो जाएगा, अभी बात करते हैं अनार वाली। तो ये मोबाइल कभी यहाँ नहीं रखना शरीर से दूर, मुझे देखा होगा आपने, मैं मोबाइल बहुत लगभग शरीर के दूर ही रखता हूँ। छोटा बड़ा कोई भी हो, तरंग तो आवे पौवा तो पौवा है दादा, वो साला ब्लैक डॉग का हो या देसी वाला हो।